प्रभु यीशु के शुभ नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। अपन लोग कुछ महीनों से पवित्र बाइबल से रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अब लगभग उसके आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते 13वें अध्याय का अध्ययन करते समय मैंने ये बात याद दिलाई थी कि जो भी प्रभु यीशु का शिष्य है, जो अपने आप को प्रभु यीशु की संतान कहता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के सारे नियमों और कानूनों का पालन करे, क्योंकि राज्य का शासन जो भी व्यक्ति करता है, अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसको उस सीट पर प्रभु ने बैठाया है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य के सारे नियम और कानूनों का हम पालन करें। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने पिछले हफ्ते दिया था। जब हम लोग दुकान में जाते हैं, स्टील की अलमारी खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार आपको 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की अलमारियाँ दिखाता है। उसमें से कोई अलमारी आपको पसंद आ जाती है और जब आप कहते हैं कि भैया एक पक्की रसीद दे देना, तो वो कहता है कि पक्की रसीद दे दी आपको चाहिए, तो 10,000 रुपये की अलमारी पे 2,000 रुपये का टैक्स और लगेगा। और यदि आपको पक्की रसीद नहीं चाहिए तो 10,000 की जो अलमारी है वो मैं आपको 10 में ही दे दूँगा, बल्कि वो मुझे पेपर पर दिखाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं वो आपको 9,000 की दे दूंगा। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि 3,000 रुपये बच जाएंगे और उससे कह देते हैं भैया कोई रसीद वसीद नहीं चाहिए, ये रखो 9,000 रुपये और मैं अलमारी ले जा रहा हूँ। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु के बच्चे के लिए ये सही नहीं है। यदि हम जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं और उस चीज़ पर सरकार ने टैक्स लगाया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो टैक्स अदा करें और पक्की रसीद लें। प्रभु का वचन ये कहता है कि हम इस कार्य को करें। 7वें पद में हमने पढ़ाया था, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे टैक्स चाहिए उसे टैक्स दो। आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात करते हैं, अन्याय हो रहा है। देखिए, प्रभु इस बात को जानते हैं कि न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, और इसलिए न्याय अन्याय प्रभु के ऊपर छोड़ दें। प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार जीवन बिताना हम लोग शुरू कर दें। आज हम 14वें अध्याय को देखते हैं। 14वें अध्याय का एक विषय है, जस्ट एक विषय है, जो मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 14वां अध्याय ये बात याद दिलाता है कि यदि हम प्रभु की संतान हैं तो मुझे और आपको अपने भाई के जीवन में किसी भी तरह की गिरावट का कारण नहीं बनना चाहिए। भाई के जीवन में गिरावट का कार्य से क्या मतलब है? देखिए, हम जब एक समाज में रहते हैं तो उस समाज में भाई हैं, बहन हैं, चाचा है, मामा है, ताऊ हैं, सबको एक साथ प्रभु के वचन में भाई कहा गया है। हमारी बोली, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे भाई के लिए वो चोट का कारण ना बने। यहाँ हम देखते हैं 14वें अध्याय के 13वें पद में हम देखते हैं, या सही कहा जाए तो 7वें पद में हम देखते हैं, हम में से ना तो कोई अपने स्वयं के लिए जीवित रहता है। मतलब प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में रखा है तो वो सिर्फ सुबह उठकर खाने पीने और अपनी मनमानी जीवन बिताने के लिए नहीं है। प्रभु ने हमको एक समाज में इसलिए रखा है कि हम उस समाज में अन्य लोग जितने भी हैं उनका भी ख्याल रखें। जिस तरह से हमारा शरीर है, प्रभु का वचन बार बार इस मामले में शरीर का उदाहरण देता है। शरीर के सारे अंग सही तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जब एक दूसरे से जुड़कर
आपस में तालमेल के साथ कार्य करते हैं तभी उन अंगों का उपयोग है। अपन हर संडे शाम को यहाँ इस सत्संग में आते हैं, कल को मान लीजिए अगली बार सत्संग में आते हैं तब आप देखते हैं कि तमाम भाई बहन आके बैठे हुए हैं लेकिन एक हाथ अपने आप चला आ रहा है, बड़ा सा विशाल हाथ, एक विशाल सा पैर चला आ रहा है अपने आप, एक बड़ा सा सर अपने आप आ रहा है और एक कुर्सी पर बैठ रहा है। आपको क्या लगेगा? मुझे तो लगेगा कि यह तो कोई भूत महल है जहाँ मनुष्यों के शरीर के कटे हुए अंग चल रहे हैं और आके कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। कारण क्या है? ये सारे अंग हमारे लिए उपयोगी है लेकिन हाथ तभी उपयोगी होता है जब वो शरीर का अंग होता है। एक हाथ अकेले से चल फिरे, आप खुद जानते हैं वो कि कितना एबनॉर्मल है, कितना असामान्य है। कटा हुआ सिर अपने आप उड़कर आए और कुर्सी पर बैठ जाए तो मैं कहता हूँ यहाँ जितने लोग हैं सब के सब यहाँ से भाग जाएंगे। शरीर के सारे अंगों का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना और तालमेल जरूरी है। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि मैं और आप एक शरीर के अंग हैं और इसलिए हम में से ना तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के लिए नहीं जीता है। प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है ये जीवन दूसरों की सेवा करने के लिए है। आप कहेंगे वाह शास्त्री सर वाह, हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए, तो हमारा क्या होगा? अरे भाई, यदि तुम्हारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है तो दूसरों का जीवन तुम्हारी सेवा के लिए है, इस बात को समझ लो। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हम में से हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा के लिए बनाया गया है और जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तब हमारा जीवन धन्य होता है और हमारा जीवन सफल होता है। इसके बारे में नीति शास्त्र की एक कहानी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बार एक आदमी, कहानी है सिर्फ, ये वास्तविक नहीं है, एक बार एक आदमी नरक गया। नरक गया तो उसने देखा कि वहाँ तो एक से एक बढ़िया खाना पीना मिठाई सब कुछ मेज पर रखा हुआ है, जो जितना खा सकता है वो खा सकता है। लेकिन एक परेशानी क्या है कि हर एक के हाथों में बांस बंधे हुए हैं या बांस के समान बड़े बड़े 10 फुट लंबे चम्मच बंधे हुए हैं। चम्मच यहाँ से लेकर यूं बंधा हुआ है। उसका रिजल्ट क्या है कि आपके हाथ में 10 फुट लंबा चम्मच बंधा हुआ है लेकिन आप हाथ यहाँ से मोड़ नहीं सकते। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? जितने लोग हैं वो चम्मच उठाएं उसमें खाना लें लेकिन हाथ नहीं मोड़ पा रहे, इसलिए खाना कहीं गिर जाए। वो उस चम्मच को यों 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 फिराए जिससे कि वो किसी तरह से अपने मुंह में आए, तो 10 फुट लंबे चम्मच को जो हाथ टेढ़ा नहीं कर सकता वो यों उसने उठाया और यों यों हिला रहा है तो चम्मच से सारा खाना बाहर गिर रहा है। उसके बाद सपने का सेकेंड पार्ट उसने देखा, स्वर्ग गया, वहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल वैसी है। टेबल है, बहुत सारे लोग हैं, सबके हाथ में 10-10 फुट के चम्मच बंधे हैं, वो हाथ नहीं मोड़ सकते। लेकिन वहाँ उसने देखा कि हर आदमी चम्मच से खाना उठाता है, सामने वाले को खिलाता है। वो चम्मच से खाना लेता है सामने वाले को और वहाँ सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। वास्तविक स्वर्ग ऐसा नहीं होता है, वास्तविक स्वर्ग अलग है। लेकिन ये नीति कथा इस बात को याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यदि हम सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे तो हम कभी खुश नहीं होंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे, कभी हमारा पेट नहीं भरेगा। यही है प्रभु का वचन जो हमको कहता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता है। हम यदि वो खाना उठा रहे हैं तो जबरदस्ती उसको अपने मुंह में लाने की कोशिश करें जो कभी हो नहीं सकता है। उसके बदले यदि हम अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने बहन की मदद करें तो उसी तरह से वो भी हमारी मदद करना सीखेगा और सब हम सब आत्मिक रूप से तृप्त हो जाएंगे।
इसके बारे में प्रभु का वचन और थोड़ा सा हमको विस्तार देता है, डिटेल देता है 13वें पद में। 10वें पद को देख लेते हैं, 10वें पद को देख लें तो वहां लिखा है, तुम अपने भाई पर क्यों दोष लगाते हो, क्यों अपने भाई को तुच्छ जानते हो। हम सब प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। दो बातें यहां हमने देखी, एक मैं अपने भाई को तुच्छ ना जानूं, दूसरी बात मैं अपने भाई पर दोष ना लगाऊं। आप कहेंगे कि शास्त्री सर मैं तो दोष नहीं लगाता। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, जरा ये तो बताएं, क्या आपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगाया? आप कहेंगे कि हाँ शास्त्री सर लगाया था, लेकिन उसने गलती की थी इसलिए उस पर दोष लगाया। एक बात बताएं, हम में से कौन है जो सर्वज्ञानी है? हम में से कौन है जो सर्वज्ञानी है? आधे अधूरे ज्ञान के साथ दूसरे की बुराई करना गलत है। इसके एक उदाहरण मैं बताता हूँ। आधे अधूरे ज्ञान के साथ जब हम दूसरे की बुराई करते हैं तब अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। एक बार की बात है, जब मेरा बच्चा, अब तो बड़ा हो गया है, जब मेरा बच्चा 2 या 2.5 साल का था, मैं जब नौकरी से वापस आता था तो वो, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ कड़ी गर्मी पड़ती है, वहाँ मोटरसाइकिल तो ऐसा धधक जाता है कि उसका जो साइलेंसर है उससे आपका पैर छू जाए तो पैर जल जाता है। मेरे साथ कई बार हो चुका है। बल्कि वो इतना गर्म होता है कि टेरी कॉटन का पैंट यदि उसके संपर्क में आ जाए तो टेरी कॉटन पिघल जाता है। तो एक बार मेरे पड़ोसी ने दूर से देखा कि मैं अपने 2 या 2.5 साल के बच्चे से कह रहा हूँ कि छू के देख। मैं नौकरी से वापस आया था, बच्चा दौड़ते हुए डैडी डैडी कहते हुए मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने कहा इधर आओ और ये मोटरसाइकिल को जरा छुओ। तो उसने छुआ, करते हुए मैं जल गया करते हुए वो रोने लगा। पड़ोसी को क्या लगा, अरे मैं तो समझता था कि ये शास्त्री तो बड़ा दयालु और करुणामय व्यक्ति है, वो अपने बच्चे के साथ कैसा क्रूर व्यवहार कर रहा है। आप भी तो यही कहेंगे यदि आप वहां खड़े हो खिड़की पे और आपको दिख रहा है कि मैं आया, बच्चा दौड़ते दौड़ते आया डैडी डैडी करते हुए, और मैंने कहा आ जा इधर आके इसको हाथ लगा ले, हाथ लगाया और बच्चे का हाथ जल गया, तो आप भी तो यही कहेंगे कि कैसा क्रूर पिता है। लेकिन जरा एक बात याद रखें, हम में से कोई व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं है, ठीक है? और इसलिए जब तक घटना को पूरी तरह से आप ना जाने, आप उस घटना का मूल्यांकन नहीं कर सकते। घटना ये थी कि उत्तर भारत की कड़ी गर्मी में 2.5 साल की उम्र का मेरा बच्चा एक छोटे से जांघिए अंडरवेयर के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनता था, दिन भर घर में नंगा धड़ंगा घूमता था, और जब मैं गाड़ी आकर वहाँ रखता था तो वो गाड़ी के साथ खेलता था। साइलेंसर बिल्कुल एकदम से खुला रहता है, और मेरे गाड़ी उस जमाने में गाड़ी का जो मॉडल था उसमें तो साइलेंसर यूँ सामने को रखा रहता था। मैंने उससे 50 बार कहा कि बेटे डैडी गाड़ी लाए हैं, गर्म है, इसको छूना नहीं, लेकिन वो उसी के आसपास खेले। तो फिर मैंने क्या किया कि गाड़ी ला के रखता था उस पर ठंडा पानी डालना शुरू किया, तो मेरे फादर ने कहा कि क्या गड़बड़ कर रहे हो, 2 दिन में तुम्हारी गाड़ी क्रैक हो जाएगी इस तरह से ठंडा पानी डालोगे। तो अब मेरे सामने ये समस्या थी कि किसी दिन गाड़ी रख के जल्दबाजी में मैं अंदर चला जाऊंगा, मेरा बच्चा वहां आकर खेलेगा और या तो वो साइलेंसर को छू लेगा या उसका बदन जो पूरी तरह से एकदम से नग्न है वो अनजाने साइलेंसर से छू जाएगा, तो मेरा बच्चा तो बुरी तरह से जल जाएगा। मैं जल चुका था उसके पहले। एक बार जब गाड़ी पलट गई और मेरा पैर साइलेंसर के नीचे चला गया तो सच कहता हूँ पैंट के ऊपर गिरा, पैंट पिघल गया जैसे कि बटर में किसी ने चाकू डाल दिया हो, और उसके बाद मेरा पैर जला। तो जब एक अडल्ट, एक प्रौढ़ व्यक्ति
पैंट के ऊपर से जब साइलेंसर उसको छू गया तो पैंट को जला दिया, पैर को जला दिया। एक 2.5 साल का बच्चा अनजाने उसके ऊपर गिर जाएगा, उसकी क्या स्थिति होगी? ठीक है, तो उसको 50 बार कहा नहीं माना, तो अब मेरे सामने क्या तरीका था? एक दिन मैंने बच्चे को उस गाड़ी में एक ऐसा पोर्शन जो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, हम प्रौड लोग तो बड़े आराम से उसको यह हाथ लगा सकते हैं, और मैंने ऐसे हाथ लगा के उसको बताया था। मैंने बच्चे से कहा देख 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 डैडी कैसे हाथ लगाए हुए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो जल के कोई उसके ऊपर खतरा आए। तो जब उसने देखा कि डैडी छू रहे हैं, उसने छुआ, जल गया, बुरी तरह से नहीं जला, लेकिन इतना जल गया, मतलब उसके हाथ में इतना दर्द हुआ कि आई इंदा वो मोटर बाइक से 10 फुट दूर रहता था। ठीक है, अब समझ में आई पूरी घटना? तो जिस व्यक्ति ने आधी घटना देखी वो इस बात को नहीं जानता था कि मेरा बच्चा कुछ भी बोलो, 50 बार बोला, लेकिन वो खेलेगा मोटर बाइक के पास। पानी डाला तो मुझे पता चला कि मैं तो गाड़ी बर्बाद कर रहा हूँ। फिर मेरे सामने सिर्फ ये तरीका था बच्चे को बताऊं कि बेटे इसको छूओगे तो दर्द होगा, और जब उसको वो बात समझ में आ गई कि गाड़ी को छूओगे तो दर्द होगा, तो बिना कोई नुकसान के बच्चा है, मैंने बिना कोई नुकसान के उसको एक सेफ जगह पर हाथ लगवाया, उससे मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। घटना को बिना पूरी तरह से जाने बिना हम दूसरे की बुराई करें तो इस बात को याद रखें कि हम सर्वज्ञानी नहीं हैं, और इस कारण हो सकता है कि 10 में से 9 बार हम अपने भाई की गलत बुराई कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यहाँ मैंने 10वां पद आपको कौन सा पद पढ़ के सुनाया था, 10वां, तुम अपने भाई के ऊपर क्यों दोष लगाते हो, क्यों अपने भाई को तुच्छ जानते हो? उसी तरह से दोष लगाने के समान, जैसा मैंने आपको बताया हम संपूर्ण कारण नहीं जानते, उसी तरह से भाई को तुच्छ जानना, हम नहीं जानते कि मेरा भाई कोई कार्य कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। कई बार हम अपने भाई अपनी बहन को ऐसा कार्य करते हुए देखते हैं जो शायद हमको लगे कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। मान लीजिए कि आप एक दिन अपनी खिड़की से देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका भाई तो एक शराबी के बगल में बैठा हुआ है। तुरंत आपको लगेगा कि अरे मैं तो समझता था कि ये मद्यपान नहीं करता है, अब बाकायदा सड़क पर शराबी के बगल में बैठा है। लेकिन यदि आपने पूरी बात देखी होती तो स्थिति अलग थी। पूरी घटना क्या है? पूरी घटना यह है कि शराब पी के वो बेहोश, बिना होश में जब सड़क पर चल रहा था, तब अचानक दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। आपको मालूम था गारंटी से कि गाड़ी वाले ने उसको नहीं देखा, उसने गाड़ी वाले को नहीं देखा, टक्कर होगी, और इसलिए आप सड़क पर खड़े हो गए चिल्लाते हुए, और आपको देख के गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, टक्कर नहीं हुई, वो आगे चला गया। आपके घर के सामने वो शराबी, आपने उसके जीवन को बचाया, लेकिन आपको मालूम है कि अभी भी वो पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए शायद आप घर जाके एक मग्गा पानी ले आए और बाकायदा उसमें मुंह पे या सर पे डाल दिया जिससे कि उसको होश आ जाए। आप शराबी के साथ संगति कर रहे हैं क्या? जी नहीं, आप उसको जीवन दान दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि घर पे उसकी जवान बीवी उसके इंतजार में है, उसके 3 या 4 छोटे बच्चे उसके इंतजार में हैं, और यदि आज दुर्घटना में उसका जीवन समाप्त हो जाता है, यदि उसको आप होश में नहीं लाते, तो अभी तो आपने बचा लिया, आगे जाके उससे ज़्यादा दुर्घटना होगी। इसलिए उस स्त्री पर और उस बच्चों पर दया के कारण आपने उस शराबी को होश में लाने की कोशिश की। दूसरा व्यक्ति जो इस पूरी घटना का सिर्फ एक हिस्सा देखता है, वो आपको तुच्छ जानता है। अच्छा शास्त्री सर, आप शराबी कबाबी लोगों के साथ उठने बैठने लगे हैं, वो भी इतने खुले में? आपने पूरी घटना नहीं देखी। इसलिए प्रभु का वचन 2 बातें बहुत क्लियरली बताता है। यदि आप प्रभु की संतान हैं तो प्रभु के समान व्यवहार करना शुरू कीजिए। प्रभु के समान कैसा व्यवहार? नंबर 1,
दूसरे पर दोष ना लगाएं। नंबर दो, दूसरे को तुच्छ ना जाने। अपने भाई पर दोष ना लगाएं, अपने भाई को तुच्छ ना जाने। ये बात आगे भी लिखा हुआ है, इस पूरे अध्याय में इस बात के बारे में लिखा हुआ है, दोष ना लगाएं, दूसरे को तुच्छ ना जाने। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मेरे और आपके जीवन में हमारा व्यवहार प्रभु ने जिस तरह से व्यवहार किया था उसके समान होना चाहिए। जब प्रभु इस संसार में थे तब लोग जानबूझकर एक औरत को जो व्यभिचार के अपराध में पकड़ी गई थी उसको खींच खांच कर प्रभु के सामने लाए। प्रभु यीशु यहूदी थे, यहूदियों के बीच में कायदा था कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध में पकड़ा जाता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए, और वो भी कैसे, पत्थरों से मार मार के उसको मृत्यु दंड दिया जाए। जब वे प्रभु के सामने उस स्त्री को लाए और प्रभु से बोला, प्रभु इस औरत को हमने फलानी गलती में पकड़ा है, अब आप बताइए क्या करें, मालूम है प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा कि मृत्युदंड देना चाहते हो ना तुम लोग, हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो, लेकिन एक बात, जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया वो आदमी पहला पत्थर मारे। तो वहां एक से एक जो खड़े हुए थे कि अभी उसको खत्म करते हैं, हैं जिसने जीवन में एक भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसने कभी कोई पाप नहीं किया? प्रभु ने एक काम और किया, प्रभु वहां बैठकर प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में लिखा, हत्यारा। तो देख के उसकी हालत खराब हो गई कि अरे ये तो समाज में किसी को नहीं मालूम था कि मैं हत्यारा हूं, और प्रभु ने जमीन पे बाकायदा लिख दिया कि मैं हत्यारा हूं, तो वहां से गायब हो गया, भाग गया। दूसरे के बारे में लिखा चोर, तो वो वहां से भाग लिया क्योंकि आज तक किसी और को नहीं मालूम था, अब उस औरत को मारने के बहाने अब वो सबके सामने जो है नंगा हो गया। तीसरे के बारे में प्रभु ने लिखा व्यभिचारी, तो वो तो सर पे पैर रख के वहां से भाग लिया। जब तीन समाज के उन्नत लोग भाग लिए तो बाकी तो एकदम से भाग लिए। देखिए ये है जो प्रभु हमसे चाहते हैं, जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी, आप वो न्याय कानून के हाथ में छोड़ दीजिए, हम न्याय कानून हाथ में ना लें। और इसलिए प्रभु ने उनसे ये नहीं कहा कि पत्थर मत मारो, क्योंकि न्याय न्याय है, कानून कानून है, लेकिन प्रभु ने उनसे ये जरूर कहा कि देखो कानून हाथ में लेने से पहले ये जरा सोच लो मेरे पुत्र मेरी पुत्री कि तू जो कानून को हाथ में लेना चाहता है तू निष्कलंक है क्या, तू निष्पाप है क्या, इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लो, देख लो कि तुमने यदि जीवन में कोई पाप नहीं किया है तो बाकी उठाओ पत्थर हिम्मत के साथ और फेंको उस स्त्री के ऊपर, सब भाग लिए। यही है प्रभु के वचन का कहना कि मेरे और आपके जीवन का आदर्श प्रभु यीशु ने जो किया वो होना चाहिए, अपने भाई को ना तो बुरा कहें ना ही अपने भाई को तुच्छ माने। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग इवन बातचीत करते हैं तो वो बातचीत इस तरह से करते हैं कि दूसरे पर दोष लगे। मुझे याद है आज से बहुत साल पहले मैं एक जगह एक लेक्चर देने के लिए गया था, उन दिनों कलर फोटोग्राफ नहीं होते थे, मैं 1970 आदि की बात कर रहा हूँ, उन दिनों सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होते थे, आज के समय फ्लैश कैमरा नहीं होता था, तो उसमें जैसे तैसे फोटोग्राफ में आ जाता था आदमी, लेकिन एकदम से आज के समान स्पष्ट नहीं आता था। तो उन दिनों लेक्चर दे रहा था तो एक घर में मुझे खाने के लिए बुलाया गया, एक मसीही परिवार में, तो खा रहे थे तो इस बीच माताजी बोली कि सर आप आए हैं, आपने हमारे बच्चे वगैरह नहीं देखे, बच्चे घर के बाहर हैं, ये एल्बम देख लीजिए। तो एक एक करके एल्बम देखने लगा, यूँ देखते गया तो उसमें एक लड़के का चित्र था जिसके बाल स्त्रियों के समान लंबे थे। प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुरुषों को
स्त्रियों के समान बाल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मैं यूँ देखता गया, तो ये मेरी बिटिया है, ये मेरी नाती है, पोती है, चाचा है, वो है, ये है, और ये डॉक्टर है, कलेक्टर है। जब उनके लड़के का चित्र आया जिसने स्त्रियों के समान बाल बढ़ा रखा था, तो एकदम से वो बोली कि ये मेरा बेटा है, इसने आपके समान बाल बढ़ा रखे हैं। अच्छा, मैं तो चकित रह गया। उसके बाल यूँ बड़े कंधे से भी नीचे जा रहे थे, मैंने जीवन में कभी बाल इस तरह से नहीं बढ़ाए। आज मेरे बाल जितने बड़े हुए हैं, इतने बढ़ जाते थे तो फादर जो है एकदम से जाके बाल कटा के घर पे, या फादर इतना स्ट्रिक्ट अनुशासन रखते थे। आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, आज मेरे बाल जितने बड़े हैं, एक्चुअली नाई के पास जाने का समय हो गया है, टाइम ना मिला लास्ट हफ्ते में, इतना बढ़ जाता था तो फादर घर के दरवाजे से लौटा थे, जाके बाल कटवा के आ। मैं हम इतने छोटे बाल रखता था और ये माता जी को कंधे से नीचे मेरे बाल नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आपके समान ही तो इसने बाल रखे। अच्छा, मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा कि मेरे लंबे बाल आपने कहाँ से देखे? तो उन्होंने बड़े मेहनत से पलट पलट के, उस जमाने में 1970 में किसी अखबार में मेरी फोटो छपी थी। उन जमाने में ऑफसेट प्रेस नहीं होते थे, ये मैं याद दिला दूं। डिजिटल कैमरा नहीं होता था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता था। फोटो लेके बाकायदा उसका ब्लॉक बनवाया जाता था, पता नहीं आप में से किसी ने सुना है या नहीं, और उससे फिर ब्लॉक एक प्रकार का ठप्पा होता है, उससे छपाई होती थी। तो वो मेरा चित्र जिस पेपर में छपा था, संयोग से उस दिन जमकर स्याही फैल गई थी, तो अक्षरों पे स्याही फैली है, चित्रों पे स्याही फैली है, तो मेरे सारे सर के ऊपर स्याही फैली हुई थी एक तरफ। माता जी ने जब ये चित्र देखा तो उसको बहुत ही केयरफुली काट कर एल्बम में रख लिया, जिससे 50 लोगों को बता सके, शास्त्री को देखो वो बढ़ा सकता है तो अपना बच्चा क्यों नहीं बढ़ा सकता। मैंने सर पीट लिया। आप जो एक चित्र में देखना चाहते हैं वही आप देखेंगे। मैंने कहा, माता जी सारे चित्र देखो अखबार में, सब पे स्याही फैली हुई है, इतना बड़ा बाल हम बढ़ाएंगे? अरे, इससे तिहाई बाल हम बढ़ाएं तो हमारे फादर घर के बाहर निकाल देंगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, फिर भी आप बाल लंबे रखते हैं ऐसा मेरा अनुमान है। वैसे ही अपना लौंडा भी रखता है, मतलब कि मैं अपने बच्चे के लिए समाज के एक आदरणीय व्यक्ति की बुराई करूं, जिससे कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। अपने भाई पर दोष ना लगाना जब प्रभु का वचन कहता है, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, हम में से कई लोग अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को और अपनी घटियों को छुपाने के लिए मुंह खोलते ही दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हुए मुंह खोलते हैं। इस तरह की बातचीत आपने सारे, कोई धर्मी नहीं, कोई भक्त, अरे सब बुरे हैं, अरे सब दिखावटी है, सब ढोंग है, बातचीत सुनी है क्या? अरे सब ढोंगी है, सब ढोंग है, आपको इससे क्या लेना देना? आप यदि प्रभु की संतान है तो आप अपना जीवन फिक्स कीजिए, उसकी मरम्मत कीजिए, उसको सही रीति से ले चलिए, काहे को दूसरे को देखते हैं। प्रभु ने एक बार कहा भी था कि तुम दूसरे की बुराई क्यों करते हो? तुम्हारे भाई की आंख में धूल के 2-3 टुकड़े पड़े हुए हैं, तुम अपने भाई की धूल, आंख की धूल को क्यों देखते हो? तुम्हारी आंख में तो बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ है, उसको पहले निकालो तो तुम अपने भाई को और ज्यादा सफाई से देख सकोगे। प्रभु यीशु ने मुझे और आपको, हम अयोग्य, निकम्मे, पापी, लाचार लोगों को अपनी दया में एक नया जीवन दिया। मेरी और आपकी योग्यता के कारण नहीं, प्रभु ने अपनी दया में मुझे और आपको एक नया जीवन दिया। लेकिन अपनी दया में वो नया जीवन देने के बाद प्रभु एक शर्त हमारे सामने रखते हैं। क्या शर्त है? वो शर्त यह है कि बेटे, मैंने तुम्हारे ऊपर दया दिखाई,
तुम भी बिटिया तुम भी दूसरों पर दया दिखाओ, दोष लगाकर बात मत करो, दूसरे को तुच्छ ना जानो। आज हमने प्रभु के वचन से ये पाठ जो देखा है, इस पाठ की रोशनी में मुझे और आपको अपने सोचने का तरीका जांच कर देख लेना चाहिए। हमें अपने आप को मनसा वाच्या कर्मणा जांच कर देखना चाहिए, मेरी सोच कैसी है, क्या मैं हमेशा अपने भाई और बहन की बुराई करते हुए सोचता हूँ, मेरी बोली कैसी है, क्या मैं मुंह खोलता हूँ तो अपने भाई बहन की बुराई के साथ बोलता हूँ, मेरे कर्म कैसे हैं, मैं अपने भाई या बहन के लिए ठोकर के कारण बनता हूँ क्या। प्रभु का कहना बिल्कुल साफ है, मैंने अपनी करुणा में तुमको एक नया जीवन दिया, शाश्वत जीवन दिया, अब वही करुणा तुम्हारे भाई और बहन के प्रति तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। यह है जो आज प्रभु के वचन से हम सीखते हैं। लेकिन जब प्रभु की करुणा के बारे में मैंने बोला तो उसके साथ साथ एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु का वचन हमको ये भी याद दिलाता है कि इस संसार में जन्मे हुए मैं और आप किसी भी तरह से प्रभु के समक्ष निर्दोष नहीं हैं, प्रभु के सामने खड़े होने की योग्य नहीं हैं। प्रभु जब हमको देखते हैं तब हम में से कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, लेकिन हम अपवित्र लाचार अभागे लोगों को एक नया जीवन देने के लिए ही प्रभु आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे थे। प्रभु पधारे 2000 साल पहले थे, लेकिन प्रभु के पधारने के बारे में भविष्यवाणी तो मनुष्य की सृष्टि के समय से हो गई थी। मनुष्य की सृष्टि के समय ही यह बात बता दी गई थी कि एक मुक्तिदाता इस संसार में पधारेंगे। वे मुक्तिदाता आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे। 33 साल के जीवन के बाद उन्होंने जानकर सूली पर अपना जीवन मेरे और आपके लिए अर्पित कर दिया। तीसरे दिन वे फिर से जीवित हो गए, मृत्यु के तीसरे दिन वे जीवित हो गए। 40 दिन तक अपने शिष्यों को उन्होंने तमाम तरह की शिक्षाएं दी और उसके बाद शिष्यों के देखते 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 स्वर्ग पर उठा लिए गए। जब सारे शिष्य यूं देख रहे थे कि प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, तब स्वर्गदूतों के एक दल उनके सामने प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि तुम लोग क्यों यहाँ खड़े हुए हो, प्रभु जिस तरह से तुम्हारे सामने आकाश में चले गए थे उसी समान प्रभु वापस आएंगे। प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में यही बात कही थी, मैं जा रहा हूँ जिससे तुम्हारे लिए भवन तैयार कर सकूँ। तुम सबके लिए वहाँ दिव्य भवन है, तो प्रभु जो भवन मेरे और आपके लिए तैयार कर रहे हैं उसमें प्रवेश करने के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया है क्या? एक तैयारी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति चलते चलते ऐसे उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत प्रभु ने शर्त भी बहुत सरल शर्त रखी है, वो यह है, तुम मान लो कि तुम पापी हो और तुम ये मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दिया, मुझे अपना मुक्तिदाता मान लो, मैं उसी क्षण तुमको अपना बेटा और बेटी बना लूंगा, तुमको शाश्वत जीवन प्रदान करूंगा और बाद में जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे तो तुम्हारे लिए जो भवन मैंने तैयार किया है, मेरे बेटे मेरी बिटिया, वो भवन तुम्हारे लिए है सदा सर्वदा के लिए। आपने इस प्रदेश में एक से एक भवन देखे होंगे। ये प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि लोग एक से एक सुंदर आकर्षक और देखने में बहुत ही मनभावना मकान बनाते हैं। यदि मनुष्य इस तरह का मनभावना मकान बना सकता है जिसको देखते ही हमारी आंखें चुंधिया जाएं, तो प्रभु मेरे और आपके लिए, संसार के सृष्टा मेरे और आपके लिए जो भवन बना रहे, वो उसकी क्या शोभा होगी, मैं और आप सोच नहीं सकते। आज संध्या काल मैं सभी भाई और बहनों का आह्वान करता हूँ कि यदि आपने अपने जीवन में पाप का हल नहीं पाया है, यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है,
तो आज इस सभा के बाद मुझसे मिलिए, भाई क्रिस्टी से मिलिए, भाई जेफरी से मिलिए, यहाँ और भी कई भाई बैठे हुए हैं, प्रार्थना के लिए जो लोग सामने आते हैं इनमें से किसी से मिलिए, वे आपको, या गाने में जो अगुवाई करते हैं उनसे मिलिए, वे आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आप इस नए जीवन को पा सकते हैं। आज इस नए जीवन को पाकर ही इस हॉल के बाहर जाएं, इस सत्संग को छोड़कर जाएं, ये आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरा अनुरोध है। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। जय मसीह की।